Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hello दोस्तों, Tech News में आपका स्वागत है. स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में. मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. 100 क्वेश्चंस चैलेंज होने वाला है दोस्तों. मतलब मैं 100 क्वेश्चन लेने वाला हूँ आप लोगों के. बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो शायद इस बार काफी सारे लोगों को मौका मिले, उनका नाम आए और उनके सवालों का मैं जवाब दे सकूं. मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अपडेटेड रखूं और कुछ नया देखने को मिले तो आपको अच्छा लगे. लाइक करिए दोस्तों इस एफर्ट के लिए, और अगर ये अच्छा चलेगा तो अगले संडे भी कुछ वैसे करेंगे. और नाम नहीं आया दोस्तों इसके बावजूद भी, तो मैं माफी चाहता हूं. आपको पता है मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूं. अब ज्यादा मिस नहीं करते, रैपिड फायर स्टाइल होगा, बहुत ही फास्ट होगा. तो पहला सवाल लेते हैं. इम्तियाज पठान बोलते हैं कि मेगा गिव अवे के लिए कितना खर्चा आया रोज बार, प्लीज पिक माई क्वेश्चन. देखिए, अगर आप उस वीडियो में जाओगे, फोन्स मैंने सारे रख दिया था, प्रोडक्ट्स रख दिया था. अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1.5-2 लाख के ऊपर, मे बी समथिंग 2-3 लाख के ऊपर हुआ रहेगा. तो कुछ उतना ही खर्चा आया. लक्ष्य पुरोहित बोलते हैं कि क्या इस टाइम पे आपके पास कोई स्मार्टफोन पड़ा है जो नवंबर या दिसंबर में लॉन्च होने वाला है. दो समझ लीजिए, उससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं. शिवम बुबना बोलते हैं कि ऑल कंपनीज हैव फियर ऑफ लॉन्चिंग बजट 5G फोन सो दैट देयर 4G फोन कांट सेल. ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, फ्यूचर में कभी ना कभी तो अपग्रेड करना ही होगा. पहले 3G था, फिर 4G आया, अब 4G आया तो 5G आएगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जब 5G आएगी तो ऑब्वियसली 4G वाले पुराने ही हो जाएंगे, और 2021 होगा, अगला साल होगा, तो सब कुछ नया होगा. सागर कुमार बोलते हैं कि बेस्ट फोन चाहिए उनको 8000 की रेंज में, पावरफुल प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी और बढ़िया कैमरा. ऐसे तो अभी फिलहाल के लिए काफी सारे फोन्स हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं माइक्रोमैक्स का IN1B 464, आपको 8000 का मिल जाएगा. और प्रोसेसर भी डिसेंट है, स्टोरेज रैम भी ज्यादा है, बैटरी भी अच्छी है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है. और कैमरा हमने टेस्ट नहीं किया, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि कैमरा भी अच्छा होगा, तो आप वही ट्राई कीजिए. साजिब एसके बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई ऑटो फोकस एंड फेस ऑटो फोकस. आई ऑटो फोकस थोड़ा बेटर होता है दोस्त. अगर आप फेस आपका जहां जहां जाएगा वो प्रॉपरली आई से आपके फेस को ट्रैक करता है और उतना बेटर फोकस आपको प्रोवाइड करता है. और टाइप सी और लाइटनिंग केबल में क्या फर्क है और कौन सा बेटर है, तो टाइप सी मेरे ख्याल से बेटर होगा, यूनिवर्सल है, बहुत सारे डिवाइसेस कंपैटिबल है. लाइटनिंग सिर्फ आईफोन पर ही स्टिक होता है, तो उसमें इश्यू होता है. बाकी दोनों ही अच्छे, फास्ट है, ड्यूरेबल है, तो वहां पर कोई पंगा नहीं है. अंगद सिंह दुपिया बोलते हैं कि दिवाली के क्या प्लान है, क्या लगता है दिसंबर में 3 मिलियन हो जाएगा. अब दिवाली का तो कोई प्लान नहीं है, विश करते जैसे ईद में करते वैसे ही करते, खुशियां मनाते, छुट्टी लेते. और 3 मिलियन की कोशिश तो पूरी है दोस्त, हम लंबी रेस के घोड़े धीरे धीरे चल रहे, पहुंचेंगे इंशाल्लाह एक दिन वहां पर, और देखते जब होगा तब आपको भी पता चलेगा. बबलू हाजुंग बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स की और नई फोन हमें 2020 में देखने मिलेगी कि नहीं, और माइक्रोमैक्स की फ्लैगशिप फोन कब आएगी. देखिए, नॉट श्योर 2020 में कि वो लोग कोई फोन लॉन्च करेंगे अभी इन वन बी और इन नोट वन के बाद. हाँ, फ्लैगशिप फोन ऑब्वियसली आएगी उनके 2021 में, तो उसके लिए बने रहना. और अनबॉक्सिंग भी दोस्तों मैं बहुत जल्दी करूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, बस फोन मेरे पास आ जाएगा दिवाली के बाद और उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको मिल जाएगी. सनवेरिया बैरवा बोल रहे हैं कि रेडमी नोट 10 सीरीज में जो कुछ समय पहले डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया वही होगा या कुछ चेंज वगैरह मिलेगा प्राइस वगैरह में इसमें उसमें. देखिए, आप उन्होंने जो लीक वगैरह दी, वो पहले जितने भी लीक्स दिए वो सब कुछ ज्यादातर ऑथेंटिक है, अभी तक तो बाहर अच्छी निकली है. अब बाकी ये फोन कैसे होगी, क्या प्राइस होगी, तो जब ऑफिशियली आएगी उसके बाद ही पता चलेगा. समझ लीजिए थोड़े दिनों की बात है, 1-2-3 दिन की बात है, ये फोन चाइना में लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद हमें इंडिया में भी मिलेगी. अरिंदर बीर सिंह बोलते हैं कि प्लीज गिव द कंफर्म इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च स्पेक्स एंड प्राइस ऑफ OnePlus Nord SE वॉच, Redmi Note 10 सीरीज, Mi 10T Lite, अपकमिंग IN सीरीज. अरे बाप रे बाप. देखिए, Nord SE का तो अभी शुरू हुआ है, इनका कोड नेम वगैरह चल रहा है डेंगीज या पता नहीं क्या, तो वो तो अभी काम चालू हुआ है. OnePlus की वॉच समझ लीजिए थोड़े टाइम में आपको मिल जाएगी. Redmi Note 10 सीरीज तो अभी 2-3 दिन में पता चलेगा. Mi 10T Lite इंडिया में शायद दिसंबर के आसपास आ सकती है. अपकमिंग IN सीरीज तो मैंने बोला वो अगले साल आपको देखने को मिलेगी. और Realme Watch S और S Pro शायद नवंबर के अंदर हमें देखने को मिलेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ. प्रशांत माने बोलते हैं कि iPhone 12 Pro Max का टियर डाउन करो. अरे भाई, वो तो पता है ना आपको, औकात से बाहर था. आपने अगर वीडियो देखा तो आपको समझेगा. लेकिन खैर, मैं iPhone 12 mini इसके ड्रॉप टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना. अर्पित विजय राव राउत बोलते हैं कि गेमिंग फोन एंड 6000mAh बैटरी अंडर 13000. मैं आपको बोलता हूँ, देखिए, इधर पोको M2 या फिर आप लीजिए माइक्रोमैक्स का इन नोट 1. देखिए, दोनों में अच्छा प्रोसेसर है, तो आई थिंक बैटरी तो 5000-6000 इतना कोई मेजर फर्क नहीं होता, लेकिन आई थिंक ये आपके लिए सही रहेगी. जय मोटवानी बोलते हैं कि क्या एक मिड रेंज स्मार्टफोन में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए 2 चिपसेट नहीं लगा सकते. ऐसा नहीं है यार, वो चिपसेट एक ही काफ़ी होती है, एक ही लगती है और वो उतना पावर दे देती है. ऐसा होता तो फिर बजट में 50 चिपसेट लगा देते फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं. मोहम्मद आसिम बोलते हैं कि एनी अपर मिड रेंज अराउंड
25,000 to 30,000 with 5G in first quarter of 2021, क्योंकि उनको Nord नहीं लेना है, वो कुछ नए फोन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो 25 से 30 के बीच में आएगा। आई थिंक Realme के कुछ फोन आ रहे हैं और Xiaomi का भी शायद आ रहा है, Oppo भी आ रहा है, जी हाँ, तो वेट करिए, आपको 2021 में खुद से पता चलेगा। जॉय सिंह बोलते हैं कि मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, पोको X3, Realme 7 या Samsung F41? देखिए तीनों फोन अपनी अपनी जगहों पर अच्छे हैं, अगर ऑनेस्टली कहूँ मैं, तीनों में अलग अलग तरीके की खूबियां हैं। मुझे इनमें से कैमरा अगर देखा जाए तो Samsung F41 का थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि Samsung की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है। पोको X3 बड़ी बैटरी है, प्रोसेसर आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा मिलता है, और Realme 7 भी अपनी जगह पर अच्छा है। तीनों में से कोई भी फोन लीजिए, मुझे लगता है आपको कोई इशू होगा। विनीत बोलते हैं कि नेशन वॉन्ट्स टू नो नेक्स्ट वर्जन ऑफ वन UI अपडेट वी विल बी गेटिंग इन Samsung M51। देखिए Samsung के M सीरीज में बहुत सारे जो M सीरीज है, इन सब में वन UI का लेटेस्ट वर्जन आएगा, शायद जो जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए आप स्टेट्यून करना, मैं आपको खुद उसके बारे में बताऊंगा। अजीत कुमार कर बोलते हैं कि विच वन इज बेस्ट प्रोसेसर फॉर लैपटॉप, AMD Ryzen वर्सेस Intel i सीरीज। देखिए Intel i सीरीज में कुछ ऐसे है जो बहुत अच्छे है, और AMD में भी कुछ ऐसे जो बहुत अच्छे है, ये डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर मैंने तो ऐसे भी देखा हो कि AMD वाले Intel को भी पीछे छोड़ रहे हैं, और थोड़े अफोर्डेबल रेंज के भी होते हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आई थिंक मैं आपको रेकमेंड करूंगा AMD वाले। हर्षद लिंबानी बोलते हैं कि मुन्ना त्रिपाठी या कालीन भैया, बेस्ट एवर सीरीज यू हैव सीन इन योर लाइफ सो फार? मेरे को बेस्ट सीरीज ऑब्वियसली मिर्जापुर ही लगी है, उसके बाद भी बहुत सारी, वो ब्रीथ आपको पता होगा, वो भी मुझे अच्छी लगी है, और मुन्ना त्रिपाठी, कालीन भैया, मुन्ना। सौरभ साहा बोलते हैं कि व्हाट इज टैप टैप, टैप टू टैप नहीं, टैप टैप होगा, एंड वाई गेम्स आर ऑलवेज कम फर्स्ट इन टैप टैप? देखिए टैप टैप का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा कभी इस ऐप के बारे में सुना नहीं था, ना मैं यूज करता हूँ, सुनने में आया था एक टाइम पर जब माइक्रोमैक्स के फोन थे उस वक्त ये बहुत चलता था, अभी चाइनीज से ताइवानीज इसके बारे में भी पता, और वहां पर रजिस्ट्रेशन गेम कैसे वो लोग दे रहे, इतना जल्दी कैसे आ रहा है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, तो उससे दूर ही रहना। जब प्ले स्टोर ऐप स्टोर में सब गेम्स आ जाएंगे, PUBG, 4G वगैरह, तो वहीं से आप इंस्टॉल करना। आनंद अबीर सिंगला बोलते हैं कि M51 और Nord में मैं कौन सा फोन लूं, मैं प्रायोरिटी मेन प्रायोरिटी परफॉर्मेंस कैमरा एंड डिस्प्ले, तो फिर ऑब्वियसली Nord अच्छा होगा परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन मैं आपको M51 रेकमेंड करता हूं, बैटरी लाइफ आपको उसमें बहुत अच्छी मिलेगी और डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी आपका यहां पर अच्छा होगा। प्रज्वल तलवारे बोलते हैं कि मेरा PUBG पहले से ही है, तो मैं उसे डिलीट करूं या उसमें ही PUBG इंडिया का अपडेट आएगा? देखिए अभी कुछ मत करिए, अभी रहन दीजिए, जब PUBG इंडिया आएगा अपडेट, PUBG मोबाइल इंडिया वाला, तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि क्या चीज है, क्या नहीं है और क्या करना चाहिए, तो अभी फिलहाल के लिए कुछ मत करिए। विक्रमजीत सिंह बोलते हैं कि विच फोन डज योर पेरेंट्स यूज? मेरे डैडी ओप्पो, रियलमी, आई थिंक इनमें दो फोन यूज करते हैं, मेरी मम्मी पोको यूज करती है, मेरी वाइफ ओप्पो करती है, मैं ओप्पो करता हूँ, मेरे भाई मोटरोला करते हैं, मेरी भाभी रेडमी सैमसंग करती है, सैमसंग का नया फोन लिए, मेरे भतीजे एक एसुस करता है, एक रेडमी करता है, वेरिएशन है हमारे घर में। प्रिंस पहाड़ी बोलते हैं कि आपका कोई भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, वेरीफाई कब तक होगा? देखिए भाई हम तो अप्लाई करते हैं और फिर इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, और कुछ ऐसे भी है जहां बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं वेरीफिकेशन के लिए, और कभी कभी खुद से भी मिल जाता है, यूट्यूब तो तुरंत दे देता है, लेकिन यहां पर थोड़ा पंगा हो जाता है। और मीटअप का कोई प्लान करो, ये पेंडेमिक हटेगा तो हमने तो पहले ही बना दिया था, लेकिन अब डिले हो गया, हम क्या करें, तो करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। हर्ष त्रिपाठी बोलते हैं कि आप कभी कभार दूसरे चैनल पर व्लॉगिंग एंड अगर कोई त्यौहार हो तो उसकी वीडियो डालिए, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। देखिए दूसरे चैनल पर अभी मैंने यूट्यूब शॉर्ट स्टार्ट किया हूं, एक दो दिन छोड़ के या डेली जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से मैं लेके आऊंगा, और हाँ फेस्टिवल हो गए तो उसके बारे में भी हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा आइडिया दिया, हम जरूर कोशिश करेंगे। अमित खलखो बोलते हैं कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम WWE है, मैं बहुत फैन उसका, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है, अभी तो इतना बिजी लाइफ में नहीं खेल पाते, लेकिन स्प्लिंटर सेल जैसे कि वो जो एक्शन गेम होते हैं ना, छुप छुप के मारने वाला गेम हो, तो ऐसे टाइप के एडवेंचर गेम्स मुझे बहुत पसंद है। माइंड गेमर बोलते हैं कि वेट फॉर X7 और बाय रियलमी 7। देखिए आप वेट करिए, जनवरी में ही, आई थिंक दिसंबर के एंड में आ जाएंगे और अवेलेबल जनवरी से हो गए, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह होगी, डायमेंसिटी प्रोसेसर होगे, अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो भाई वेट करिए, एक महीना रुक जाइए, हो जाएगा। आदर्श 06 ने एक रैपिड फायर मार दिया है, नॉच या पॉपअप सेल्फी? आई विल गो फॉर पॉपअप, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फुल बियर्ड या क्लीन शेव? बियर्ड मुझे थोड़ा पसंद आती है, क्लीन शेव में मैं एकदम घटिया लगता हूँ। फ्लिप फोन वर्टिकल या फोल्डेबल? फोल्डेबल मेरे लिए ऐसा बुक वाला सही रहेगा। मोबाइल डेटा या वाईफाई? ऑब्वियसली वाईफाई। वायरलेस या वायर्ड? मैं वायर्ड का फैन हूँ, चाहे फिर वो ईयरफोन्स हो या चार्जिंग हो। कैरियर का नाम नहीं समझ आ रहा है, उन्होंने बोला है कि इज इट गुड और बैड टू चार्ज माई फोन वीवो, एग्जाम्पल दिया उन्होंने दूसरे ब्रांड के चार्जर से, सेम आउटपुट हो तो कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी भी ब्रांड जो है वो ब्रांड है, कोई कचरा नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवम शुक्ला बोलते हैं कि आईफोन 12 मिनी लेना चाहिए या सैमसंग गैलेक्सी नोट 20? ऑनेस्टली कहूँ डिपेंड करता है आपकी नीड पर, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 काफी पावरफुल फोन है और आईफोन 12 मिनी भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा फोन है। कॉम्पैक्ट के लिए अगर आपको ऐसा छोटा मोटा फोन चाहिए तो आईफोन 12 मिनी या आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 भी ले सकते हैं। पंकज कुमार बोलते हैं कि आज
मुझे एक स्मार्टफोन लेना है अंडर 20,000। देखिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, वेट करिए दिसंबर तक का, जनवरी तक का आपको बहुत सारे अच्छे फोन 20,000 की रेंज में मिलेंगे। हनीफ उद्दीन अहमद ने बोला है कि आपने कहा था कि दिवाली के गिव अवे करेंगे, कहां गया वगैरह। देखिए दिवाली का एक वीडियो तो चला ही ओप्पो का, अभी शाओमी का और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेके आएंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करिए। प्रतीक गहलोत बोलते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन टेक्नो केमॉन 16 का गिव अवे रिजल्ट कहाँ है, निकालेंगे। थोड़ा छुट्टी है, बिजी हूं मैं, आप भी छुट्टी मनाइए, अगले हफ्ते से सब कुछ आपको मिल जाएगी। आदम गोरी पूछते हैं कि कैन यू हेल्प मी बाय गिविंग सम फोन्स टू डू माय यूट्यूब वीडियोस इन माय चैनल। नीचे किसी ने राहुल कुमार ने कहा कि भीख मत मांगो। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसे मुझे बहुत ईमेल्स आते हैं, बहुत लोग डीएम करते, पर्सनल बिजनेस सब जगह पर करते हैं कि मुझे एक फोन दो, मुझे एक फोन दो। अब एक एक करके सबको देने बैठ गया तो मैं तो लूट जाऊंगा, और दूसरी चीज फिर बाकी के लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और इतनी ताकत भी नहीं कि मैं सबको फोन दूं, तो थोड़ा समझिए। दिगंबर नितिन पाटिल बोलते हैं कि जियो के फोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। देखिए जहां तक मैंने बात किया, उन्होंने कहा हमारा एक फोन आने वाला है, तो आपको वेट करना चाहिए। बीएन नीतीश कुमार बोलते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस यूट्यूब वीडियोस गोज ऑन ट्रेंडिंग। डिपेंड करता है कि कितना जल्दी कितने व्यूज आए और कितना ज्यादा वॉच टाइम हुआ, तो आई थिंक पॉपुलैरिटी पे भी शायद वीडियोस ट्रेंडिंग पर जाते हैं। ये मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता, लेकिन जाते हैं। राजा बोलते हैं कि रियलमी यू सीरीज का क्या हुआ, शाउट आउट प्लीज। रियलमी यू सीरीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एक ही फोन आया उसके बाद तो रियलमी वाले एकदम चुप्पी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। आयुष कुमार बोलते हैं कि पहले आरबीआई ने व्हाट्सएप पेमेंट को मना कर दिया था, अब क्या अब डेटा सिक्योर है, क्योंकि अभी तो चालू हो गया है, क्योंकि वी कांट ट्रस्ट फेसबुक। देखिए उनके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया रहेगा, उसके बाद ही हमारी गवर्नमेंट ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया। ऐसी हलवा नहीं है ना कि आके वहाँ पहले मना किया, दोस्ती यारी करके चल चल चालू हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेप्स उठाए, उसके बाद ही जाके उन्होंने उसको ग्रीन सिग्नल दिया। नीरज उपाध्याय बोलते हैं कि यूट्यूब के वीडियोस में जो ऐड आते हैं उस पर जो इनकम होती है वो एक बार होती है कि लाइफ टाइम होती है। जितने ऐड आते हैं उन पर ऐड पर रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी आप जितने बार वीडियोस देख लो, एक 2-5 हज़ार व्यूज आ गए, 50 ऐड आ गई, तो वो एक बार देखने पर एक ऐड जो आई, अगर आई तो उस पर हमें पैसे मिलते हैं। यस वेदांत बोलते हैं कि 40,000 में कौन सा फोन बेस्ट है। देखिए ऐसे तो फिर आप थोड़े पैसे ऊपर डाल के OnePlus 8T ले लीजिए, लेकिन नहीं तो फिर 40,000 में Mi 10T Pro है जो सही फोन है। टेक्नो शिवांक बोलते हैं कि आपने जनता के विचार एपिसोड बंद क्यों किया, और क्या आप उन्हें कंटिन्यू करोगे। नॉट श्योर कि मैं कंटिन्यू करूंगा, बहुत डिफिकल्ट होता है, और हमारे इंडिया में ऑडियंस ना इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा शर्मीली भी है, और कभी कभार चले जाती कैमरे देख के। तो फिर आई थिंक मैंने बहुत कोशिश किया था, जितने तो उतने ही है, उसके बाद तो नहीं होगा शायद। अश्विनी कुमार बोलते हैं कि मेगा गिव अवे अनाउंसमेंट कभी होगा। देखिए बहुत जल्दी होगा, अगर जल्दी 3 मिलियन हो जाते, 5 दिन बाद हो जाता तो 5 दिन बाद कर दूंगा, मेरा वो प्लान है। लेकिन जब 90 दिन का आई थिंक समथिंग मैंने टाइम दिया, अगर हो जाता है तो हो जाएगा। VM विवेक बोलते हैं कि क्या आप वीडियोस देखते हैं अपने अपलोड करने से पहले, अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हुआ तो मैं देखता हूँ, बाकी तो टेक न्यूज तो डेली जाती है तो उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है। प्रीतम चकमा बोलते हैं कि टैबलेट्स पर भी एक वीडियो बनाइए। देखिए हम सब कवर करते हैं, अभी तो वॉशिंग मशीन भी हमने कवर किया, हम अभी रेफ्रिजरेटर करेंगे, प्यूरीफायर हो, क्या क्या पता नहीं, हर तरीके के वीडियोस कवर करते हैं। टैबलेट पर भी हमने कितने वीडियोस बनाए, तो फ्यूचर में 2021 में पता नहीं हम और क्या क्या तरीके के वीडियोस लेके आएंगे। केलब CALEB वाह, व्हाट इज योर एज एंड योर ब्रदर्स एज। मेरी एज 31, मेरे ब्रदर की एज है 32। यस इंद्रनील अदक बोलते हैं कि आईफोन 12 इंडिया में असेंबल हो सकता है, और हाँ तो कब तक। देखिए बात तो हुई थी, रूमर्स भी आई थी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया, ऐसी भी बातें हुई है, तो अगले साल से शायद आईफोन 12 इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए, प्राइस अगले साल थोड़ी बहुत कम आपको देखने को मिल सकती है। निखिल शर्मा बोलते हैं कि सैमसंग के फोन डायमेंसिटी प्रोसेसर पर देखने को मिलेंगे कि नहीं। नो आइडिया दोस्त, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर मुझे लग रहा है अब सैमसंग स्नैपड्रैगन 750 और खुद के जो एक्सिनोस है नए वाले जो आ रहे हैं उनके साथ ही प्रोसेसर वाले फोन लेके आएगा, जहां तक मुझे पता है। अरविंद देशवाल जी बोलते हैं कि नेक्स्ट अपडेट विल कम ऑफ MIUI 12, मतलब आप MIUI 13 की शायद बात करें, तो उनका वो स्टार्ट हो गया था डेवलपमेंट, और काफी सारे थोड़े बहुत लीक्स आए तो उससे रिगार्डिंग मैंने टेक न्यूज़ में दिया था, मे बी अगले साल की मिड से आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। सूर्य प्रताप बोलते हैं कि बिग बॉस देखते हो, इस बार कौन जीत सकता है। मैं नहीं देखता हूं सीरियसली, मैंने पिछले साल देखा था, अब इस बार इंटरेस्ट ही नहीं यार, पूरा दिन झगड़ा करते, पूरा दिन जरूरी है क्या। अगर एक कैरेक्टर जो है जिनमें मुझे राहुल वैद्या, जब वो शुरू हुआ था शो तो मैंने देखा था, मुझे पहले देख के लगा था कि ये बंदा जीत सकता है, बिकॉज सही है बंदा तो लगता है मेरे को। हेमंत जी बोलते हैं कि पबजी कब आएगा प्ले स्टोर में, आई एम वेटिंग। देखिए आप रुक जाइए, थोड़े दिनों की बात है, मेजर अनाउंसमेंट होगा, न्यू कैंपेन शुरू हो जाएगा, सेकंड कमिंग हो रहा है, थोड़े दिनों में आपको उसके बारे में पता चलेगा। अविनाश खराट बोलते हैं कि OnePlus Nord वर्सेस Google Pixel 4a परफॉर्मेंस वर्सेस कैमरा। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली OnePlus Nord, कैमरा ऑब्वियसली Pixel 4a। रिजवान खुम्बर बोलते हैं कि मर्चेंडाइज का लॉन्च इवेंट हो जाए। ऐसा नहीं है, जब
फ्यूचर में कुछ अच्छे और मर्चेंडाइज लाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा इवेंट रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी दिसंबर तक हमने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा इशू हो गया दिवाली की वजह से, तो दिसंबर में हमारे टी शर्ट्स आ गए, प्रिंट हो गए, बस वेबसाइट तैयार हो रही है, उसके बाद फिर काम चालू हो जाएगा। हाफ सेंचुरी हो गई दोस्तों, अभी वापस और 50 क्वेश्चन बाकी है। एमएस खान गेमर बोलते हैं कि 10,000 की रेंज में कोई लैपटॉप आता है क्या एडिटिंग के लिए? नॉट श्योर दोस्त, कोशिश भी मत करना लेने की। और 10,000 की रेंज में कोई गेमिंग फोन बताओ, तो मैं आपको इंडियन फोन रेकमेंड करता हूँ, माइक्रोमैक्स इन नोट 1, तो आपके लिए सही रहेगा। अमन शर्मा बोलते हैं कि आपके हिसाब से 2020 की बेस्ट स्मार्टफोन कंपनी कौन सी है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज? देखिए एक चीज ऑनेस्टली कहूँ तो रियलमी ने बहुत फोन्स लॉन्च किए अलग अलग प्राइस कैटेगरी में और काफी अफोर्डेबल रेंज के, जैसे कि रियलमी 7 है, नार्जो 20 प्रो वगैरह है, अच्छे फोन से अच्छी प्राइस पर मिल रहे हैं। उसके बाद शाओमी आता है, बहुत सारी कंपनी से, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं पिक कर सकता, लेकिन रियलमी ने लंबी तादाद में इतने फोन लॉन्च किए ना, तो मेरे को लगता है वही हो सकती है। टेक प्रीमियम बोलते हैं कि दिवाली पर किसी ने आपको स्वीट्स गिफ्ट किया? जी हाँ, स्वीट्स किया, साथ में मुझे गिफ्ट्स भी अलग से आए हैं और हमने भी दिया है। रोहित राणा बोलते हैं कि एक बार बोलना ओ मागू तुरुलोब। शरद बोलते हैं कि कॉल पोको वंस, योर स्टाइल है। विद्युत रॉय बोलते हैं व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ रेडमी नोट 10 सीरीज इन इंडिया? जब आएगा तो पता चलेगा, चाइना के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद ही मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एकदम अफोर्डेबल रेंज का होगा, 15 से 20 के बीच में, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ओस्कर टेक एडिट्स बोलते हैं कि हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है पर शुरू करने की जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। देखिए मैंने भी जहां से शुरू किया था आपको पता होगा, इतने से स्पेस में बैठ के हम शुरू करते थे, तो आपके टैलेंट और पैशन की बात है, ये जगह की कोई बात नहीं है, तो आप शुरू करिए जहां पर भी आपको ठीक लगता है, बस फेथ रखिए और पेशेंस रखिए, फिर देखो आप बहुत आगे जाएंगे। रियुगा गेमर बोलते हैं कि क्या आपने पबजी में यूसी खरीदा है? अगर खरीदा है तो कितने का खरीदा? मैं फालतू कभी भी ये चीजों में पैसे डालता नहीं हूं, मैं कोई भी गेम में आज तक इन ऐप परचेस नहीं किया हूं, ये मेरे लाइफ का रिकॉर्ड है या हिस्ट्री होगा, और शायद मेरी अच्छाई होगी जो मैं आपको भी रेकमेंड करता हूं, कितने भी फैन क्यों ना कोई भी गेम के, कभी भी इन ऐप परचेस पे एक सिंगल पेनी मत खर्चा करना, क्योंकि ये बहुत बुरा लालच है, इससे दूर रहिए। रिंचिंट सेरिंग, वाह, बेस्ट मोबाइल स्ट्रीमिंग ऐप कौन सा है बता सकते हैं? बहुत सारे भाई, बहुत सारे, लेकिन पर्सनली मुझे नेटफ्लिक्स सबसे अच्छा लगता है, फिर अमेजोन प्राइम, फिर डिज्नी वगैरह, तो लाइन चलते जा रही है, तो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं। काशिफ जमाल बोलते हैं कि आपने इन्फिनिक्स फैक्ट्री टूर किया था, वैसे ही माइक्रोमैक्स का भी फैक्ट्री टूर करोगे? यार मैं तो वेट कर रहा हूँ, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी के इंडियन कंपनी की फैक्ट्री टूर करे और आपको उसके बारे में बताए। हमारे फैक्ट्री टूर वाले वीडियो भाई मिलियन क्रॉस कर लिए, एकदम ऊपर तक पहुंच गए, तो माइक्रोमैक्स का भी करेंगे। विनय वॉकर बोलते हैं कि मैं कितनी किडनी बेचूं अगर मुझे आईफोन 20 प्रो मैक्स अल्ट्रा सुप्रीम प्लस को लेना हो? आपको किडनियों के साथ साथ गाड़ियां, घर बार, उधार, लोन सब करना पड़ेगा, जब जाके आप ले सकते। निखिल बोलते हैं कि when will iPhone 13 series launch? अरे भाई iPhone 12 आ गया, अभी चलने दो, अब लोगों के हाथ में नहीं आया, अगले साल आएगा iPhone 13, अब पता नहीं इसमें कितना मायूस करेगा, ये तो मैं अगले साल ही पता चलेगा। सोनी गेम प्ले बोलते हैं कि मेरा सवाल है, आप आसाम आओगी क्या? आएंगे, जरूर आएंगे दोस्त, बहुत ख्वाहिश है मेरी कि पहले इंडिया को हम एक्सप्लोर कर रहे, फिर हम दूसरे कंट्री के बाहर जाने की बात करें। इंडिया ही इतना बड़ा, इतना खूबसूरत है, इतने कल्चर, लैंग्वेज है, इतने रिलीजन है, तो जरूर आएंगे। शुभांकर घोष बोलते हैं कि आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है? मेरा कोई फेवरेट मोबाइल नहीं है, सब कुछ मुझे सही लगते हैं। प्लीज अपग्रेड योर सेटअप एंड कैमरा फॉर मोर प्रीमियम लाइक फीलिंग्स। देखिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा अगर मेरे लाइफ में मेरे इस चैनल को लेके कोई टास्क है तो वो इस सेटअप को अपग्रेड करना और बेटर वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करना, समझ लीजिए 3-4 महीने की बात है, इंशाल्लाह वो भी आपको पता चलेगा। देवशीष रॉय बोलते हैं कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज करते हैं? मैं यूज करता हूँ ये बोया वाला, अभी बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ तो चल रहा है, बाकी तो मैं प्लान कर रहा हूँ जूम पर स्विच करने के लिए, जो काफी एक्सपेंसिव है और उसमें आपको ऑडियो क्वालिटी और भी कमाल की मिलेगी। गौरव सुराना बोलते हैं कि हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, आपको भी और आप सभी को भी। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर? मैक्रो शॉर्ट लेता है डेप्थ और थोड़ा बेटर आपको बोके पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है। ये सब फालतू के 2-2 मेगापिक्सल जो आजकल ब्रांड्स दे रहे हैं ना, वेस्ट है, सब नहीं देना चाहिए, एक कैमरे से भी काम होता है, लेकिन मार्केटिंग है, 5-5 कैमरा दे दिया हमने, 6-6 कैमरा दे दिया, पता चला 2-3 तो ऐसी वेस्ट है। मोहम्मद सूफी खत्री बोल रहे हैं कि फौजी कब आएगा? फौजी आएगा इसी महीने आएगा, लेकिन पबजी उससे पहले आएगा और उसके बाद क्या होगा फौजी का मुझे नहीं पता, लेकिन फौजी पबजी से मत कंपेयर करिए, अभी एक इंडियन ब्रांड है तो हम उसको बख्श देते हैं और वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। खैर जब आएगा तब उसके बाद देखते हैं। मानव रभा बोलते हैं कि आप दिन में कितने बार खाना खाते हो?
मैं दिन में दो बार खाना खाता हूँ, नाश्ता करते बस और चाय पीते शाम में बस, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं। अरविंद देशवाल बोलते हैं कि पोको लॉन्चर 3 कब आएगा। नो आइडिया दोस्त, पोको वाले जब कुछ नया वर्जन लेके आएंगे तो आपको मैं अपडेट करूंगा। मुझे लगता है शायद MIUI 13 आएगा ना, उसके साथ ही आपको मिल सकता है। अहमद बोलते हैं कि आप कभी कंपैरिजन वीडियोस क्यों नहीं बनाते। अरे दोस्त, कंपैरिजन वीडियोस बहुत बनाया हूं मेरे चैनल पर, आप जरूर से जाकर देखना। अभी हाल ही में थोड़ा रोक दिया था क्योंकि एक जैसे फोन होते थे, ज्यादा क्या कंपेयर करेंगे। और क्या आप मेरे स्कूल की टीचर बनोगे? देखिए हम भी सीख रहे हैं अभी भी, कोई ऐसा हम प्रोफेशनल नहीं है। मैंने कभी अपने आपको ऐसा टेक एक्सपर्ट नहीं बोला, बस एक नॉलेज है, उस हिसाब से हम रिसर्च करके आपसे शेयर करते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। नजरुल इस्लाम बोलते हैं कि OnePlus 9 और 9 Pro कब तक देखने को मिलेगा और क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए अगले साल शायद मार्च के आसपास आपको कुछ खबर मिल सकती है OnePlus 9 सीरीज के बारे में। अभी चालू हो गया काम, कोड नेम भी आ गया लेमोनेट, तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। प्रांटो पुडर ऐसा बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कैन आई विन योर गिव अवे? देखिए मेरा गिव अवे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, मैं इंडिया के बाहर कभी नहीं प्लान किया हूं, तो आई एम सॉरी वहां तक नहीं जा पाएगा। बीस्ट गुड्डू बोलते हैं कि एक मोबाइल लेना है अंडर 30,000, कौन सा लो? या तो आप देखिए पिक्सल 4a लीजिए, या वन प्लस नॉर्ड, या सैमसंग गैलेक्सी M51, या वीवो V20। हाँ अभी ये भी आ चुका है, लेकिन वेट करिए, आई थिंक रियलमी भी लेके आ रहा है अपना X7 Pro वगैरह, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। नवाज खोकार बोलते हैं कि क्या पबजी मोबाइल इंडिया के साथ पबजी मोबाइल लाइट इंडिया भी आएगा? हाँ वो भी आएगा ना, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट एक ही ताली के छट्टे बट्टे, तो आएंगे तो दोनों आएंगे। पवन शेरावत बोलते हैं कि जैसे पबजी बैक आ रहा है वैसे ही टिकटॉक भी आ जाएगा क्या? नॉट श्योर, बातें तो हो रही थी उनको बहुत सारी चीजें, वो अभी वो लोकलाइज कर रहे हैं जैसे कि पबजी वाले कर रहे हैं, तो मे बी आ सकता है मे बी नॉट। प्रमोद कुमार बोलते हैं कि क्या गिव अवे उन लोगों को मिलता है जिनका यूट्यूब चैनल है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, गिव अवे सभी को मिलता है। आपका चैनल है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, बस आप जहां जाके जो पार्टिसिपेट करते हो, आपका जीमेल आईडी है तो आपको कांटेक्ट करते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आदित्य राजगुरु बोलते हैं कि आप कहां तक पढ़े हो? मेरा है एमए पार्ट 1, हमने एमए किया है, पार्ट 2 पर एक मिनट निकल लिए थे हम, तो पूरा होने बाकी है अभी, लेकिन समझ लीजिए हो जाएगा वो भी। और आप जब चैनल शुरू किए थे तब अनबॉक्सिंग के लिए फोन कहां से लाते थे? पहले तो हम कंपनी को ईमेल करते थे और कूल पैड कंपनी ने सबसे पहले हमें फोन दी थी, बाकी तो फिर बहुत मुश्किल से, पहले भी पैसे भी नहीं थे, 5-6-7 हज़ार के फोन, ट्रिमर, कुछ छोटे छोटे चीज लेके अनबॉक्सिंग करते थे, लेकिन हम रुके नहीं थे, हम काम करते थे, तो आप भी वैसे ही करिए। दक्ष शर्मा बोलते हैं कि आपके पास इतने मोबाइल आते हैं अनबॉक्सिंग के लिए, तो आप क्या मोबाइल बाय करते हो या अनबॉक्सिंग के लिए आते हैं तो उनमें से फोन अपने लिए रख लेते हो? कभी कभी बाय कर लेते हैं, कभी उनमें से कोई फोन पसंद आता तो रख लेते हैं, डिपेंड करता है। अबरार कुरैशी बोलते हैं कि क्या आपके पास कार है और अगर है तो कौन सी है? देखिए मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने पहले भी बोला था मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, ना चलाने का शौक है। अब मेरे पास एक्टिवा है अपनी ब्लैक वाली, बस वो चल रही है मस्त एकदम। कार अगर चलाएंगे, लाइसेंस तो है, तो फ्यूचर में लेंगे। विद्युत रॉय बोलते हैं कि व्हाट्स योर फर्स्ट फोन? मेरा पहला फोन कार्बन कंपनी का था, नाम मैं भूल गया, लेकिन उसमें स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर था और कार्बन इंडियन कंपनी। लोकेश दामोदर बोलते हैं कि क्या 55,000 में सैमसंग नोट 10 प्लस वैल्यू फॉर मनी है? अभी रुक जाइए, अभी 55,000 के अंदर तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फोन्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक आप ही पुराना हो गया, इसको स्किप करके जो नए फोन है वन प्लस 8 प्रो वगैरह है, ऐसे आप उस उन तरीके के फोन्स को ट्राई कर सकते हैं। फूडी लाइफ बोलते हैं कि हाउ मेनी यूट्यूब अवार्ड्स डू यू हैव? हमारे पास एक गोल्डन प्ले है और उस तरफ सिल्वर है, बस अब इंशाल्लाह जब 10 मिलियन होंगे तो हमको मिलेगा डायमंड। RSN Predator बोलते हैं कि कैन यू सोल्ड ऑल योर फोन? मैं अपने फोन्स जो है अपने पास, बहुत सारे फोन्स उनमें गिव अवे के लिए होते हैं, काफ़ी सारे फोन्स वापस भी जाते हैं, कुछ फ़ोन हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं, तो बेचने जैसा कुछ होता ही नहीं, तो वो सब मैं नहीं करता हूँ। सूर्य जल बुयान, वाह, उन्होंने बोला है कि डू एनी ऑफ एंट्रीज गेट रिमूव्ड व्हेन यू क्लिक टू रिमूव इनवैलिड एंट्रीज? ये सिर्फ इनवैलिड एंट्रीज जो होती है, जो इलीगल होती है, कुछ सीन होता है, वही निकलती है। आपकी जो लीगल एंट्री है गिव अवे के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो नहीं निकलती। तो ये उनका पूरा रैंडमली रूल है जो ग्लीम पर होता है, तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सलीम आलम बोलते हैं कि आर यू शिया और सुन्नी? आई एम मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। विकास सोनी बोलते हैं कि 15,000 में मोबाइल लेना है, एक दो मंथ में 5G मिल जाएगा क्या रियलमी या रेडमी का या पोको का? देखिए वेट करिए ना थोड़ा, मैं बोलता हूँ कि अभी ये साल जाने दीजिए, रुक जाइए, सबर कर लीजिए, जनवरी फरवरी तक वेट करिए, 15,000 की रेंज में भी शायद इंडिया में आपको 5G फोन मिल जाए। टेक फैन बोलते हैं कि नए मैकबुक पर एक वीडियो या अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू? देखिए मैं मैकबुक यूज़ नहीं करता, मुझे आता भी नहीं ऑनेस्टली कहूँ तो, बस मैं विंडोज़ का फ़ैन हूँ, विंडोज़ बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा कुछ ज़्यादा हाईएस्ट रिक्वायरमेंट रहेंगी तो हम करेंगे। शुभ्रांशु
पढ़ी, बोलते कि कैन यू मेक वीडियो अबाउट एक्सप्लेनिंग टेक्नोलॉजी समटाइम्स। देखिए मैंने सोचा था कि ऐसे वीडियोस बनाऊँ, प्रीवियसली कुछ वीडियोस बनाया था मैंने, लेकिन मैं इसका एक पोल रखूँगा अपने टेक न्यूज़ में, क्या ऐसे कुछ एक्सप्लेन वाले वीडियो बनाऊँ कोई भी चीज़ के बारे में, तो अगर ज़्यादा वोट्स आते तो बनाएंगे। सुनील शेरेकन बोलते हैं कि आपको बेस्ट दिवाली गिफ्ट क्या मिला आज तक। देखिए ऐसा तो सालों से आ रहा है, सभी अच्छे होते हैं, ऐसा कोई चॉइस नहीं है मेरी, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे ठीक होते हैं, तो वैसे ही कुछ बोलूंगा, कुछ ऐसे मेरे पर्सनल उसमें से कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन सभी अच्छे थे। AA, AA उन्होंने बताया, व्हाई कांट यू अपलोड वीडियो इन 4K रेजोल्यूशन इन 60fps, जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। अभी भी अगर मैं फुल एचडी में डालता तो काफी सारे लोग ऐसे जो 480p में मैक्स, मैंने वोट डाला था बीच में, पोल रखा था, तो उसमें सबसे ज्यादा वोट आए थे, बहुत कम लोग जो फुल एचडी में देख पाते, तो 4K की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, उतना मेरा डेटा और उतना टाइम और इतना जरूरत नहीं है मुझे लगता फिलहाल के लिए। आखिरी 10 सवाल बाकी है दोस्तों, 90 सवाल हमने लिया है नॉन स्टॉप, जो मेरी हालत खराब हो गई, गला भी मेरा सूख गया यहाँ पर, और अब सीधे सीधे जाते हैं और सवाल पर। टेक्नो AK बोलते हैं कि रूएस बाय रेडमी के फोन हिट क्यों होते हैं, मतलब पॉपुलर क्यों होते हैं। देखिए वो लोग दे रहे एक टाइम से कंटिन्यूसली चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि आगे चल के उन्होंने, मतलब पहले कम प्राइस पर देते देते उन्होंने प्राइस बढ़ा दी और फिर वो मजा नहीं रहा, ऐसा नहीं है, वो चालू ही चालू कंसिस्टेंसी उन्होंने बनाई रखी है, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, फैन है, तो रेडमी से रेडमी पे अपग्रेड कर लेते हैं बहुत सारे लोग तादाद में, इसलिए पॉपुलर होते हैं। राठौड़ निराज सिंह बोलते हैं कि टेक्नो रूएस बाय मी 10T प्रो या OnePlus 8T। OnePlus 8T अच्छा है, लेकिन मी 10T प्रो भी उतना ही अच्छा है, थोड़े पैसे यहाँ बच जाएंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, मैं तो दोनों रेकमेंड करता हूँ, बाकी प्राइस पे डिपेंड करता है। शेख महबूब एक पूरा रैपिड फायर मार दिया है, व्यूज वर्सेस कमेंट्स दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत डिफिकल्ट आपने किया है, लेकिन कमेंट मेरे दिल के करीब होते हैं। लाइक्स वर्सेस सब्सक्राइबर्स, लाइक झेल लेंगे लेकिन सब्सक्राइबर को नहीं झेलेंगे, सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। अनबॉक्सिंग वर्सेस रिव्यूज, रिव्यूज पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, मुझे लगता है रिव्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रिव्यूज। और टेक न्यूज वर्सेस Q&A, टेक न्यूज डेली जा रही है, पॉपुलर है, तो आई थिंक टेक न्यूज, अभी क्वेश्चन आंसर भी चल रहा है लेकिन टेक न्यूज। गौरव बोल रहे हैं माइक्रोमैक्स के फोन की कोई अनबॉक्सिंग क्यों नहीं कर रहा है, आप कब करोगे। देखिए मैंने बताया ना, थोड़ा दिवाली की वजह से डिले कर दिए, आएंगे दोस्त, धमाल करेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून करना। फैंटम 2908 उन्होंने बताया, विच इज द बेस्ट फोन अकॉर्डिंग टू यू अंडर 50,000। फिलहाल के लिए मुझे लगता है 50,000 के नीचे OnePlus 8T बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है, जो मैंने भी यूज किया, एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से वही सबसे बढ़िया फोन है। शिवम बोलते हैं कि M51 सैमसंग गैलेक्सी M51 हीट क्यों होता है, जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, एनी सजेशन टू प्रिवेंट दिस इशू। देखिए हीट तो सारे फोन होते हैं, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ ऐसा कोई फोन मार्केट में नहीं है जो हीट नहीं होता, सभी होते हैं, ओवर हीटिंग नहीं होती है, अगर ओवर हीटिंग हुआ तो समझ लीजिए गड़बड़े। तो मुझे ऐसा जो आपने बोला है वैसा मुझे कोई इशू नहीं दिखाई दिया, प्रोसेसर तो वही है, ऑप्टिमाइजेशन तो होता ही, उनका तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। नरेश पुष्पक बोलते हैं कि आपका ब्रॉडबैंड या वाईफाई डाउनलोड स्पीड कितना है। मेरा 10 Mbps है, अपन ने बढ़ाए थे ना अजमान, 20 किए थे ना, हाँ सॉरी 20 Mbps से, हाँ तो 20 Mbps से। चित्रांश कश्यप ये बोलते हैं कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। सैमसंग का उनको टीवी लेना है, सैमसंग का द फ्रेम लू या सैमसंग की सेरिफ वाली, आई थिंक आप फ्रेम ले लीजिए, फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टीवी है, मैं आपको वही रेकमेंड करता हूँ, आप वही लीजिए। मोबी कुशल ने बोला है कि कैन माइक्रोमैक्स अगेन बी द किंग ऑफ इंडियन मार्केट। देखिए हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, सब कुछ पॉसिबल होता है अगर आप में वो जज्बा है, अगर आप में वो पैशन है, लेकिन बात ये ना कि अगर ऐसे ही माइक्रोमैक्स अच्छे फोन ला रहा है और टिका रहता है, अपडेट्स पुश करता है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो जरूर से देखना, मैं काट देता हूं यहां पर, अगर वो सब कुछ माइक्रोमैक्स फॉलो करता है तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारी सेंटीमेंट्स में जुड़ी हुई, हम इंडियन कंपनी को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो बन सकता है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल नंबर 100, हमने सेंचुरी आज फाइनली कंप्लीट कर दिया है, और आखिरी सवाल आ रहा है मोहम्मद शम्स आलम की तरफ से, वो बोलते हैं कि आप क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप टेक न्यूज अपलोड करते हैं उस दिन करते हैं या उसके एक दिन पहले करते हैं संडे के, मतलब अब जो मैं Q&A दे रहा हूँ मेरे, मतलब मेरा ख्याल है वो यही पूछ रहे हैं, तो मैं एक दिन पहले बैठता हूँ ये करने के लिए, थोड़े दिन पहले भी हो सकता है, क्योंकि उस दिन लेना उस दिन अपलोड करना इतना टाइम नहीं रहता, तो हम एक दिन पहले एडवांस में करते हैं, तो ठीक है यही जवाब है। तो हालत ख़राब हो गई दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, और अगर आपने यहाँ तक झेला है तो लाइक कर लेना, प्यारा सपोर्ट बनाए रखना, और कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है हम कोशिश करेंगे अगले संडे कुछ और करने के लिए। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।